लिसन केयरफुली गाइस, WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि दो नाइट का हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा और मैं ड्राफ्ट की प्रिडिक्शन की वीडियो बनाने वाला हूं जिसकी एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप मुझे कमेंट्स में जाके थॉट्स बता सकते हो कि कौन से सुपरस्टार किस ब्रांड पे जंप होके जाएंगे। और गाइस जल्द से जल्द जाके आप मुझे कमेंट्स में थॉट्स लिख के बताओ और मैं प्रिडिक्शन वीडियो में आपके जो थॉट्स होगा उसको जरूर से जरूर इंक्लूड करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के बाद का जो हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा उसके लिए WWE ने कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिए हैं। एक बड़ा रिटर्न जो कि हमें देखने को मिलने वाला है, तो एक छोटी सी हाइलाइट्स पे व्यू देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर से। तो गाइस आपको बताओ होगा कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें एम्बुलेंस मैच देखने को मिलता है क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में। इस मैच में काफ़ी सारे इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि इस मैच में हमें इंटरफेरेंस पहले क्या देखने को मिलता है कि बिग शो का हमें रिटर्न देखने को मिलता है। शॉन माइकल आते हैं, शॉन माइकल स्वीट चेन म्यूजिक देते हैं, उसके बाद हमें क्रिश्चियन का रिटर्न देखने को मिलता है। और जब इस मैच को और लेवल के रैंडी ऑर्टन हार जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि रिक फ्लेयर एम्बुलेंस लेके चले जाते हैं। और ये जो पूरा शो हुआ था, मुझे सबसे चीज़ यही खराब लगा कि अभी तक WWE ने उनको चैंपियन नहीं बनाया। लेकिन गाइज अभी आपको मालूम होगा कि WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद हमें हेल इन अ सेल देखने को मिलेगा। तो गाइज काफ़ी सारे वीडियो पहले मैंने आपको बता दिया था कि WWE के बैकस्टेज प्लान है कि एट हेल इन अ सेल मैच हमें देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो कल का मंडे नाइट रॉ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं और वहाँ पे एक रीमैच मांग सकते हैं ड्रू मैकइंटायर से। और गाइज ऐसा हो सकता है कि कल के मंडे नाइट रॉ में ऑफिशियली एडवर्टाइज हो जाएगा कि फॉर द WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें देखने को मिलेगा एट हेल इन अ सेल। और गाइज ऐसा हो सकता है कि इस मैच में WWE स्टिपुलेशन भी ये ऐड कर सकती है कि ये मैच हमें हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा। और गाइज हु नोज कि इस मैच में मे बी कीथ ली भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता हुआ कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस हमें कीथ ली का रिवैलिटी देखने को मिल रहा है मंडे नाइट रॉ में। तो हो सकता है गाइज कि इस मैच में मे बी हेल इन अ सेल मैच में कीथ ली भी ऐड हो सकते हैं। और गाइज सेकेंड सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है हॉट बिजनेस की ओर से। वेल गाइज आपको पता होगा कि हॉट बिजनेस के मेंबर एक हैं जो यानी कि CEO हैं बॉबी लेस्ली, वो अपना रिटेन कर लेते हैं US चैंपियनशिप को अगेंस्ट और किसी के नहीं बल्कि अपोलो क्रूज के। और गाइज आपको पता होगा कि हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में बॉबी लेस्ली वर्सेज अपोलो क्रूज का हमें मैच देखने को मिलता है। ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और मैं तो वेट कर रहा था कि कब इस मैच में हमें रिट्रीब्यूशन का इन्वेट्स देखने को मिलेगा, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता है, रिट्रीब्यूशन का हमें इन्वेट्स देखने को नहीं मिलता है। और गाइज आपको पता होगा कि अभी रिट्रीब्यूशन के साथ उनका दुश्मनी चल रहा है हॉट बिजनेस का। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा हॉट बिजनेस का हमें प्रोमो देखने को मिलेगा। और ऐसा हो सकता है गाइज कि हॉट बिजनेस वर्सेस रिट्रीब्यूशन का फिर से हमें एक फाइट देखने को मिल सकता है इस वीक के मंडे नाइट रॉ में। और गाइज थर्ड सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है हमारे रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का का। गाइज आपको पता होगा कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस जेलिना वेगा का हमें मैच देखने को मिलता है। इस मैच को और लेवल के जेलिना वेगा हार जाती हैं और आस्का अपना रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। तो गाइज जब आस्का इस मैच को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं तो जेलिना वेगा ट्विटर पर ये रिएक्ट करती हैं कि उनका जो राइवलरी है आस्का के साथ वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि कल के मंडे नाइट में हमें ये पता चल जाएगा कि आस्का वर्सेस जेलिना वेगा का राइवलरी WWE में एंड हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है गाइस कि हमें कल पता चल जाएगा कि जेलिना वेगा का और आस्का का क्या फ्यूचर होने वाला है कल के मंडे नाइट रॉ में। और गाइस फोर्थ सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियन सीना बिजलर एंड नाया जैक्स का। गाइस आपको पता होगा कि WWE पहले ऑफिशियली एडवर्टाइज करती है कि फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप सीना बिजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस रायट स्क्वाड का हमें मैच देखने को मिलेगा। गाइस आपको पता होगा कि ये मैच हमें नहीं देखने को मिलता है अगर पूरे शो को अपने ध्यान से देखा होगा। और गाइस WWE ये एडवर्टाइज कर रही है कि ये जो मैच होगा उसका मैच का हमें फ्यूचर पता चल जाएगा कल के मंडे नाइट रॉ में। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप सीना बिजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस लीव बॉर्गन एंड रैट का हमें मैच देखने को मिल सकता है। और गाइज ऐसा हो सकता है कि जो मैच हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में देखने को नहीं मिला वो ऐसा हो सकता है कि कल के मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिल सकता है। और गाइज नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है वो और किसी का नहीं बल्कि हमारे रॉ टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। गाइज आपको पता हो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी मैच हमें देखने को मिलता है अंड्राडे एंड गार्जा के अगेंस्ट। इस मैच को और नहीं बल्कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। और गाइज आपको पता हो कि अब इनका रिवैलिटी एंड हो
चुका होगा मे बी क्लैश ऑफ चैंपियंस में। नहीं तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो कल का मंडे नाइट रॉ होगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि रॉ टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एंड अंड्राडे सी एनमस एंड एंजल गार्जा का क्या फ्यूचर होने वाला है WWE में। और गाइज सेकेंड लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है रॉ अंडरग्राउंड की ओर से। वेल गाइज जो मैं सबसे ज़्यादा किसी के लिए एक्साइटेड होता हूँ तो वो रॉ अंडरग्राउंड के लिए। और गाइज आपको पता हो कि रॉ अंडरग्राउंड में अभी कोई सबसे बड़ा सुपरस्टार है तो वो आर्क निवल की डाबा काटो और ब्रॉन स्ट्रोमैन है। और गाइज आपको पता हो कि जब इस वीक से पहले का जब हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है तो वहाँ पे डाबा काटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें काफ़ी खतरनाक राइवलरी देखने को मिलता है। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलेगा वहाँ पे फिर से डाबा काटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें राइवलरी देखने को मिलेगा। नहीं तो गाइज ऐसा हो सकता है कि सिंपल हमें जैसा कि क्लिप बाय क्लिप हमें मैच देखने को मिलता है रॉ अंडरग्राउंड की ओर से मंडे नाइट रॉ में हमें वो देखने को मिल सकता है। और गाइज लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है मैंडी रोज की ओर से। गाइज आपको पता होगा कि WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज करती है कि मैंडी रोज ट्रेडेड होके जा चुकी हैं मंडे नाइट रॉ पे, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पे जा चुकी हैं। और गाइज WWE ये एडवर्टाइज कर रही है कि इस वीक के मंडे नाइट रॉ में भी ऐसा हो सकता है कि मैंडी रोज का हमें अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइज हु नोस कि ऐसा हो सकता है कि इस वीक के मंडे नाइट रॉ में हमें मैंडी रोज का अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा। और ऐसा हो सकता है गाइज कि जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में राइवलरी हमें देखने को मिला था वो राइवलरी वहीं पे ऐसा हुआ था कि अधूरा रह गया था। ऐसा हो सकता है गाइज कि मैंडी रोज और डॉल्फ ज़िगलर का हमें राइवलरी देखने को मिल सकता है। अब देखो गाइज राइवलरी तो देखने को नहीं मिल सकता है, यानी कि हमें लव स्टोरी देखने को मिल सकता है कल के मंडे नाइट रॉ में। और गाइज ऐसा हो सकता है कि मैंडी रोज और डॉल्फ ज़िगलर का हमें राइवलरी या ऐसा हो सकता है कि लव स्टोरी देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ में। तो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर सबसे पहले बढ़ लेते हैं। तो जैसा ही गाइज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया कि हमें ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। और गाइज ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि इस साल का ड्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। और इस साल का ड्राफ्ट एज यूजुअल हमें फर्स्ट पहली बार हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा, यानी कि 9 अक्टूबर को पहला हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। और जो दूसरा नाइट होगा वो हमें मंडे नाइट रॉ में यानी कि 12 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मैं ड्राफ्ट की प्रिडिक्शन की वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में जल्द से जल्द जाके आप बता दीजिए कि कौन सुपरस्टार किस ब्रांड पे जंप होगा और उसके आपके सजेशन को मैं जरूर से जरूर उस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। और गाइस मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूं। गाइस WWE ने ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के बाद वो और कोई पेपरव्यू नहीं बल्कि हेल इन अ सेल हमें देखने को मिलेगा, यानी कि WWE के क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 के बाद हेल इन अ सेल हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस आप मुझे ये भी कमेंट्स में थॉट्स बता सकते हो कि हेल इन अ सेल 2020 में आपके लिए ड्रीम मैच कौन है और आप कौन सा मैच देखना चाहोगे जो कि हमें हेल इन अ सेल 2020 में देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आपको डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हेल इन अ सेल 2020 को लाइव देख सकते हो इंडिया में। तो गाइज कुछ यही अपडेट आई थी और मंडे नाइट रॉ के रिगार्डिंग कुछ यही ऑफिशियल अपडेट आई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।